मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें 2 आम चाहिए और आधी कटोरी हमें चीनी चाहिए, ये बिल्कुल छोटी कटोरी है, और एक बड़ी कटोरी हमें मलाई की चाहिएगी। मलाई की बनाएंगे हम क्रीम। ये आम मैंने छील लिए हैं दोनों, और ये है चीनी। हम इनको दोनों को मिक्स करके और इनको हम पीस लेते हैं। ये आम काट लेंगे हम और इसका छोटा छोटा पीस कर लेंगे, क्योंकि ये पीस हमें है। और इसका बना देंगे हम पेस्ट, बिल्कुल बारीक पीस के पीस लेते हैं इसको। अब हम बनाएंगे क्रीम मलाई की, और ये ले लिया मैंने बर्फ, और बर्फ को रखेंगे इस डोंगे में, और फिर इसके ऊपर ऐसे रख के और इसमें हम मलाई डाल के और हम क्रीम बनाते हैं। मैंने आम का बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है, आम और चीनी का, और ये क्रीम बनाई है, और क्रीम हम इसमें ही डाल के और फिर दोबारा मिक्स करेंगे। ये हमने आम का और क्रीम का पेस्ट बना लिया है बिल्कुल बारीक, देखो। ये इस डब्बे में डालेंगे और इसमें डाल के और हम जमा देंगे, 8-9 घंटे के लिए जम जाएगा। ये हम जमा देंगे और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनने वाली है। ये देखो मेरी आइसक्रीम तैयार हो गई है, और ये हुई है 6-7 घंटे के बाद। 6-7 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, ये देखो बिल्कुल सेट हो रही है। ये मैं दिखाती हूँ आपको डाल के, बिल्कुल ही सेट हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी लगेगी और कम टाइम में बनती है, और इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं डलता।